राजस्थान में 300 साल पुराने शिव मंदिर को तोड़ने पर सीहोर वाले पंडित प्रदीप मिश्रा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, तुम मंदिर तोड़ते जाओ, हम बनाते जाएंगे। जमीन के मंदिर तोड़ सकते हो, लेकिन सनातनी के दिल में बसे मंदिर को कैसे तोड़ोगे? जिन्हें मंदिर तोड़ना है वे तोड़ते रहे, हम बनाते रहेंगे। मंदिर तोड़ने वाले समझ ले कि हजारों लोगों के हृदय में जो शिव बैठे हैं, उनके मंदिर को कैसे तोड़ोगे। गौरतलब है, राजस्थान में मंदिर तोड़े जाने के बाद से राजनीति काफी भड़क गई है। भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। जहां मंदिर टूटा है वहां बीजेपी का बोर्ड है, जबकि प्रदेश में कांग्रेस सरकार है। पंडित प्रदीप मिश्रा श्री महाशिव पुराण कथा के लिए रतलाम में हैं। कनेरी रोड हरथली फाटे पर हो रही कथा में उन्होंने कहा कि यदि मंदिर ही हटाना था तो भगवान शिव और शिव परिवार की प्रतिमाएं विधि विधान से हटाकर पुरातत्व विभाग को ही सौंप देते। जैसा कर्म किया है वैसा ही फल पाओगे। पंडित मिश्रा ने कथा में कहा कि शिव महापुराण में लिखा है कि झूठ बोलो, लेकिन कहाँ बोलना है वहाँ दमदारी से बोलो। गौ माता की रक्षा के लिए, अपने देश व राष्ट्र उद्धान के लिए झूठ बोलो। उन्होंने कहा कि एक बिलपत्र आस्था और विश्वास के साथ भगवान शिव पर चढ़कर उसे प्रसाद के रूप में सेवन करते समय सभी बीमारियां दूर करने का कहेंगे तो भगवान सभी बीमारियों को दूर कर देंगे, और जो जिनको नहीं है वे डॉक्टर के पास भी नहीं जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुभाषी न्यूज। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मधुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।